हेलो दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश साहनी और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रायोगिक ज्ञान में। तो दोस्तों, हमने इसके पहले वीडियो सीरीज़ में सीखा कंप्लीट HTML। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो सीरीज़ जिसमें हम सीखेंगे कंप्लीट CSS। तो दोस्तों, जो हम इसमें सीखने वाले हैं कंप्लीट सीरीज़ में, वो मैंने यहाँ पर आउटलाइन करी हैं, आप देख सकते हो। इंट्रोडक्शन, देन हम देखेंगे सिंटैक्स क्या है CSS को यूज़ करने का, देन सिलेक्टर्स देखेंगे कौन से सिलेक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम CSS अप्लाई करा सकते हैं, टाइप ऑफ CSS कितने तरीके हैं, किस किस वे से हम CSS को अप्लाई करा सकते हैं हमारे HTML पेज पे, देन CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जैसे कि टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स, एंकर शूडो क्लासेस, कलर्स एंड बैकग्राउंड्स, मर्जिन पैडिंग एंड बॉर्डर्स, लिस्ट एंड टेबल से रिलेटेड CSS, पोजीशन एंड डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ CSS देखेंगे, देन ग्रेडियंट्स एंड शेडो से रिलेटेड कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एंड फाइनली ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन से रिलेटेड कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले CSS है क्या। CSS का जो फुल फॉर्म होता है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और ये क्या करता है, ये आपके वेब पेज को किस तरह से दिखाना है, किस तरह से इंटरेक्टिव बनाना है, उसमें CSS आपकी मदद करता है। अगर CSS आपके पास नहीं, आप CSS यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप अपने वेब पेज को इंटरेक्टिव नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो हमारे लुक एंड जो HTML का लुक एंड फील है उसको चेंज करने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको हम यूज़ कैसे करें, इसका सिंटैक्स क्या है, कैसे हम लिखेंगे CSS को। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका जो भी एलिमेंट है जिसको आप CSS अप्लाई कराना चाहते हो, उसका नेम रहेगा या फिर उसकी आईडी रहेगी या फिर उसका क्लासेस आप यूज़ करोगे वो रहेगा, और ओपनिंग करली ब्रैकेट, देन प्रॉपर्टी का नाम, आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हो वो, कोलन एंड देन वैल्यू एंड देन क्लोजिंग ये अपना करली ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद अगर आपको मल्टीपल CSS अप्लाई करानी है एक ही एलिमेंट के लिए, तो आप क्या करोगे, एलिमेंट ओपनिंग करली ब्रैकेट देन प्रॉपर्टी का नाम कोलन वैल्यू सेमी कोलन, ये आप ध्यान रखोगे सेमी कोलन दोगे जैसे आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया, उसके बाद आप दूसरी प्रॉपर्टी लिखोगे, प्रॉपर्टी का सेम वही सिंटेक्स रहेगा, प्रॉपर्टी का नेम कोलन वैल्यू। ठीक है, और भी देनी है तो आप यहाँ पे सेमी कोलन दोगे और अगली प्रॉपर्टी का नाम एंड वैल्यू। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। उसके बाद इसमें सिलेक्टर्स कौन से होते हैं, तो इसमें जो सिलेक्टर्स होते हैं वो जैसे यूनिवर्सल सिलेक्टर है, एलिमेंट सिलेक्टर है, आईडी सिलेक्टर है, क्लास है, ग्रुप है, एट्रीब्यूट है, और आप इनको कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हो, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स है इसकी जगह पर आएगा, ये इनमें से कोई भी चीज़ आ सकती है। तो और उसके बाद टाइप्स ऑफ CSS, तो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, आप इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हो या फिर इंटरनल CSS यूज़ कर सकते हो या फिर एक्सटर्नल CSS यूज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, CSS की नई फाइल बनाओगे और उसको इंक्लूड करोगे आपके HTML पेज पे। तो चलिए देखते हैं कि हम CSS यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी सिंपल फाइल बनाई है basic.html, और इसके अंदर हम CSS अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इनलाइन CSS कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे स्टाइल प्रॉपर्टी, स्टाइल एट्रीब्यूट, ये एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट होता है, जितने भी HTML के एलिमेंट से हर जगह पे आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो और उसका आप लुक एंड फील यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो आप यहाँ पे लिखते हो कलर कोलन और जो भी आपको वैल्यू देनी है वो, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने स्टाइल यूज़ करी, प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे दिया और यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी। तो यहाँ पे देखिए आपने एलिमेंट यूज़ नहीं किया। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सिंटैक्स बताया कि एलिमेंट एंड देन दिस, तो ये आप कब यूज़ करोगे, जब आप इंटरनल या फिर एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे हो तब आप ऐसा ही सिंटैक्स यूज़ करोगे। अगर आप इनलाइन CSS में हो, इसका मतलब ऑलरेडी आपने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है, इस एलिमेंट के लिए आपने ये प्रॉपर्टी रखी है और ये उसकी वैल्यू रखी है। तो जब आप इसको सेव करोगे और इस फाइल को रन करने की कोशिश करोगे, ये है हमारी basic.html, तो आप यहाँ देखोगे कि लर्न कंप्लीट CSS ये रेड कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप CSS अप्लाई करा सकते हो। अगर यही आपको इंटरनल CSS यूज़ करनी है तो आप करोगे स्टाइल, स्टाइल टैग यूज़ करोगे, इसका टाइप बताओगे text/CSS, और इसके अंदर अब हमें इस H1 को CSS अप्लाई करानी है। ठीक है, तो आप इसका ये एलिमेंट हो गया हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम देना है आपको, प्रॉपर्टी का नेम मान लीजिए आपको बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर, फिर उसके बाद आपको वैल्यू देनी है, तो हमने लिखा 1 पिक्सल सॉलिड,
लियो, ठीक है। इसके बाद आप जब इस वेब पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ एक बॉर्डर दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ये इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को कोई भी एलिमेंट को कोई भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल करना है, जैसे कि अभी आपको क्या करना है, इस सीएसएस का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इस एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बैकग्राउंड, आपने कर दिया इसका ब्लैक, ठीक है। जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल सीएसएस भी अप्लाई करा सकते हो। तो ये सिंटैक्स रहा इसका कि किस तरह से आप सीएसएस को सीएसएस में एचटीएमएल एलिमेंट को सीएसएस अप्लाई कराओगे, ठीक है। उसके बाद जो सेलेक्टर्स की बात करी थी हमने, देखते हैं कि सेलेक्टर्स कौन से होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास एक पी टैग है, पी टैग के अंदर लिखा है दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ, ओके। फिर उसी तरह से आपके पास एक और है स्पैन टैग, जिसमें आपने लिखा है दिस इज सिंपल टेक्स्ट। ऐसे आपके पास और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, या फिर आपके पास एक एंकर है जिसमें आपने लिखा है टेस्ट लिंक, इस तरह से। और आप चाहते हो इन सबको एक बार में सीएसएस लग जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको दिखेगा इतने सारे एलिमेंट्स हैं आपके पास, और आप चाहते हो कि सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ये सीएसएस, कुछ सीएसएस हैं जो लगनी चाहिए, जैसे सबका कलर कुछ एक होना चाहिए। तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, आप यूज़ करोगे स्टार। अब जैसे कि हम कभी कभी क्या करते हैं, फॉन्ट्स इन सबका सेम रखना चाहते हैं, ठीक है, या फिर फॉन्ट का जो साइज़ है, फॉन्ट का जो वेरियंट है, वो सब सेम रखना चाहते हैं, या फॉन्ट की जो फैमिली है वो सेम रखना चाहते हैं। तो आपने लिखा फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे आपने लिख दिया एरियल, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे इन सब का सारे जितने भी एलिमेंट्स थे आपके, सबका फॉन्ट साइज, जो फॉन्ट का फैमिली है, वो चेंज हो गया है, सबको एक सीएसएस लग गई है। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसी सीएसएस लगानी है जो आपके पूरे पेज पे लगनी चाहिए, तो आप यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसके बाद है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। तो एलिमेंट सिलेक्टर आपने देख ही लिया कि अगर आप H1 लिख रहे हो, मतलब आपने क्या किया, एक HTML एलिमेंट का ही नाम दे दिया। अब जैसे आपको पैराग्राफ पे कुछ CSS देनी है, तो आप यहाँ गए पैराग्राफ लिखा, और यहाँ पे आपने लिखा टेक्स्ट इंडेंट, और आपने लिखा 100 pixels। तो ये क्या करेगा, उस पैराग्राफ को जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे कि यहाँ से इतना स्पेस छूट गया, तो आपने इंडेंट किया इसको, ठीक है, 100 pixels से आपने इंडेंट कर दिया। तो ये होता है एलिमेंट सिलेक्टर, कि आप क्या कर रहे हो, किसी एलिमेंट का नाम दे रहे हो, जो भी आपका HTML का टैग है, उसी टैग को सेलेक्ट करके आप कुछ CSS अप्लाई करा रहे हो, इसे कहते हैं हम एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। उसके बाद होता है ID सिलेक्टर। अभी क्या है कि आपके पास मान लीजिए 2 पैराग्राफ है, ठीक है, और अगर आपने ऐसा लिखा, ये पैराग्राफ 1 है आपका और ये पैराग्राफ 2 है, ठीक है। अभी क्या होगा, टेक्स्ट इंडेंट दोनों को लग जाएगा, ठीक है, बट आप चाहते थे कि सिर्फ पहले वाले को लगे, दूसरे को ना लगे। तो इस केस में क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक आईडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और आप यहाँ लिख सकते हो कुछ भी आईडी, आप दे दो पैराग्राफ 1, ठीक है। अब इस पैराग्राफ 1 को ही सिर्फ ये टेक्स्ट इंडेंट लगना चाहिए, ठीक है। तो आप करोगे यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी सेलेक्टर जो होता है, उसको यूज़ करने का तरीका ऐसा है कि हैश लिखोगे और पैराग्राफ 1 लिखोगे, जो भी आपने आईडी दी है वो लिखोगे। अभी जब आप पेज को रिफ्रेश करोगे, तो आप देखोगे कि सिर्फ पहला जो एलिमेंट था आपका, उसी को ये सीएसएस लगी है, दूसरे को नहीं लगी। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि किस एलिमेंट को आपको सीएसएस देनी है, ठीक है। उसके बाद होता है कि क्लास सिलेक्टर। यहाँ आप देख रहे हो कि क्लास सिलेक्टर है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास आपके कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक ग्रुप में काम करने वाले हैं, और आप चाहते हो कि वो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, उनको सेम तरह की क्लासेस लगनी चाहिए, सेम तरह की क्या बोलते हैं, सीएसएस लगनी चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ये लिंक है, और ऐसी ये एक और लिंक है, ठीक है, टेस्ट लिंक 1 एंड टेस्ट लिंक 2, ठीक है, और आप चाहते हो इन दोनों को एक ही तरह की सीएसएस लगनी चाहिए,
यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ दिखेगा टेस्ट वन टेस्ट टू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप क्लास दे सकते हो क्लास, और इसको आप नाम दे दो लिंक्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप सेम क्लास यूज़ कर लो और यहाँ पे लिखो लिंक्स। अब यहाँ जब आप जाओगे तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे डॉट, ठीक है। जब भी आप कोई क्लास को यूज़ करना चाहते हो तो आप डॉट लिखोगे, फिर उस क्लास का नाम लिखोगे, और यहाँ पे आप जो भी आप देना चाहते हो, जैसे मैंने लिखा कलर, कलर इसका डिफ़ॉल्ट येलो दिखना चाहिए, ऐसा कुछ आप चाहते हो, ठीक है। आप जब भी इस पेज को रिफ़्रेश करोगे तो इनका जो कलर है वो येलो हो गया, बैकग्राउंड जो इसका है आपने ग्रे कर दिया, इसको ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो कलर है दोनों को सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। तो इस तरह से अगर आपके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको आप चाहते हो कि एक ग्रुप में काम करें, तो उस केस में आप क्लास सिलेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो कैसे, हम आईडी को एक्सेस करने के लिए हम हैशटैग लिखते हैं, ये आप ध्यान में रखोगे, और क्लास को एक्सेस करने के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर में भी वैसा ही क्लास जैसा आप यूज़ कर सकते हो इसको, जैसे कि मान लीजिए कि आपको यही वाली CSS इस पैराग्राफ को भी लगानी है, दोनों पैराग्राफ को लगानी है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कॉमा पी भी कर दोगे, तो ये हो गया आपका ग्रुप सेलेक्टर। तो जैसे आप इसको रिफ़्रेश करोगे आप देखोगे कि सेम सेम CSS इन दोनों पैराग्राफ को भी अप्लाई हो गई हैं, तो इसे कहते हैं ग्रुप सेलेक्टर। और इसमें आपको कॉमा यूज़ करना रहता है, जो भी जिसको भी आपको ये CSS लगानी है, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, उस तरह से ग्रुप में कर सकते हो। अब जैसे कि अभी यहाँ पे स्पैन भी है हमारे पास, स्पैन को भी लगाना है, तो आप क्या करोगे कॉमा स्पैन, इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बाय कॉमा आप सेपरेट कर लोगे, ठीक है। अभी आप रिफ़्रेश करोगे तो इसको भी सेम CSS अप्लाई हो गई है, ठीक है। उसके बाद होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट सिलेक्टर मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक है इनपुट टाइप टेक्स्ट, और एक है हमारे पास इनपुट टाइप ईमेल, ठीक है। ये दो CSS, ये दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एक है टेक्स्ट एक है ईमेल। अभी हमें क्या करना है कि जो टेक्स्ट है, जिसका टाइप टेक्स्ट है, उसको हमें कुछ CSS अप्लाई करानी है। तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसका टाइप टेक्स्ट है उसकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए 200 पिक्सल्स, ठीक है। अब जैसे आप इस वेब पेज को रिफ्रेश करोगे आप देखोगे इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ गई है, मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर देता हूँ, 400 पिक्सल करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए इसकी साइज़ बढ़ गई है। तो ऐसे केसेस में अगर आप कुछ यूज़ करना चाहते हो तो इस तरह से आप एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आप जो भी लिखोगे, जैसे कि आपने ये लिखा, उसी तरह से आप यहाँ पे ईमेल भी लिख सकते हो। अगर ईमेल आपने किया तो जो दूसरा हमारे पास एलिमेंट है उसकी साइज़ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सेलेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। तो हमने इसमें देखा कि यूनिवर्सल सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास, ग्रुप एंड एट्रीब्यूट सेलेक्टर, और आगे हम ये कंबाइन, इन सबको कंबाइन करके देखेंगे कि हम किस तरह से और भी सेलेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमने देखा ये इनलाइन CSS, आप एक एक एलिमेंट को ही डायरेक्ट CSS कैसे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा इंटरनल CSS, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सटर्नल CSS, और आगे की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का ये पहला सेशन। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कुछ और आगे की जो हमारी फर्दर चीज़ें हैं वो सिखाऊंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स में हमें बताइए। तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग।